अब आज पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हुई हिंसा की खबर को समझिए। पश्चिम बंगाल जहां पहले सरस्वती पूजा और जय श्री राम के नारे तक को लेकर विवाद हो गया, वहां अब पिछले कुछ समय से रामनवमी त्योहार भी सियासत का हथियार बनता जा रहा है। आखिर क्यों? इसकी वजह को समझिए और सहमत है तो दस्तक दीजिए। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल का हावड़ा शहर भी हिंसा का गवाह बनता है। हावड़ा के शिवपुर इलाके में शाम को दूर तक आगजनी की तस्वीरें दिखी। दावा है बीएचपी बजरंग दल समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने रामनवमी पर प्रदेश में शोभा यात्रा निकालने का पहले से ऐलान किया था। पत्थरबाजी और आगजनी के बाद पुलिस थोड़ी देर बाद इन तस्वीरों में शोभा यात्रा निकालने वाले संगठन के लोगों को ही हिरासत में लेती दिखती। चोर नहीं है, चोर नहीं है। ये जुलूस अंजनी पुत्र सेना विश्व हिंदू परिषद 42 संगठनों के साथ एक साथ मिलकर ये जुलूस निकली थी। सभी प्रशासन के आग्रह पे हम लोगों ने सारा ये शोभा यात्रा एक साथ मिलकर निकाला कि जिससे प्रशासन को सुविधा नहीं हो। आज हम लोगों ने पूरा एक साथ निकाल दिया कि कोई शांतिपूर्वक निकल रही है। और आज के बाद फिर उन्होंने ऊपर दो किया, क्या प्रॉब्लम है उनको? मैं बोल दिया अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो इसके बाद ईद है, रमजान है, हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होते रहेगा। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां आसनसोल में रामनवमी के दिन ही जुलूस निकालने के दौरान 2018 में दो गुटों में बड़ी हिंसा हुई। इस बार भी हावड़ा में शाम तक माहौल बिगड़ा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदूवादी संगठनों को ही माहौल बिगाड़ने का दोषी ठहराती नजर आई। तुम्हारे मिचिल को क्यों बारण करनी? তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট? রিপ্লাই তোমায় দেব, বিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথোরাইজ রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। হাবড়া কি হিংসা পর সিধে হিন্দুবাদী সংগঠন কে লোগো কো রুট বদল কর জানবুঝ কর সাজিশ রচ কে হিংসা করনে কি বাত মুখ্যমন্ত্রী নে তুরন্ত কেসে কহি? ক্যা উনহোনে যাঁচ করা লি জো ও দোষীয় কো সখত কারওয়াই কে লিয়ে তৈয়ার রহনে কো বতানে লাগি? যারা আজকে দাঙ্গা করেছে যতই মামলা করুক আর হামলা করুক কোন রকম এক্সকিউজ আমি শুনবো না। পুলিশরা অনেক কাজ করে, কখনো কখনো আবার ভয় পেয়ে যায় দুদিকে রিলেশন রাখতে গিয়ে। আমি পরিষ্কার বলছি আজকের ঘটনায় যারা দায়ী, যারা ঢুকতে দিয়েছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে স্ট্রং অ্যাকশন নেব। মমতা ব্যানার্জি বতর বঙ্গাল কে মুখ্যমন্ত্রী আর গৃহমন্ত্রী ইস হিংসা কে লিয়ে সিধে তৌর পর জিম্মেদার হ্যায়। জব बंगाल में 10,000 से अधिक रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं, उस दिन ममता बनर्जी हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को दरकिनार करके धरने पर बैठी हुई थी। जब उनको प्रशासन और पुलिस बंदोबस्त देखना चाहिए था तब वो राजनीति कर रही थी। साथ ही में उन्होंने हिंदुओं को ये हिदायत भी दी कि मुसलमान इलाकों से ना गुजरें। आजाद हिंदुस्तान में मुसलमान इलाके क्या होते हैं ये हमारी समझ से परे है। उनके तुष्टीकरण की राजनीति इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार। रामनवमी के दिन भी केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देती रही ममता बनर्जी को बीजेपी नेता हिंदू विरोधी बताते हैं। इन्होंने जब देखा इनका कोई क्षमता नहीं है और हम लोगों को रोकने का, और इसमें मुसलमान लोग भी उनसे दूर हो रहा है, मुसलमान लोग भी सोचेगा जब ममता जी तो धरना में बैठ गए इसीलिए कुछ नहीं किए, इसीलिए हर तरह से इन्होंने अभी सब सोच के ही इन्होंने जानबूझ के ये दो दिन चुना, नहीं तो रामनवमी का दिन चुनने का कोई ज्यादा उचित तो नहीं था।
पश्चिम बंगाल में रामनवमी का दिन भयंकर राजनीति की चपेट में रहा, क्या इसी वजह से हावड़ा में हिंसा भी हुई? इसे समझने के लिए पहले आप मालदा की तस्वीरें देखिए। यहाँ शोभा यात्रा में हथियार लेकर शक्ति प्रदर्शन करते कुछ लोग जाते दिखे। सवाल है, क्या राम की शोभा यात्रा में ऐसे हथियार लेकर चलना जरूरी है? फैसला आप खुद तय करिए। लेकिन रामनवमी को लेकर ममता का दिन भर पहले ये बयान चर्चित रहा, जिसमें ममता हिंदू संगठनों को शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम इलाके से दूर रहने के लिए कहती है। टीवी से रिकॉर्ड आछे, रामनवमी दिन जा अस्त्र पाबो निये बेरोबो, देखबो के की करते पारे। अरे तोर जा अस्त्र तुई ताई निये जा, आमी रामनवमीर मिछिल आटकाबो ना। किन्तु मने रखो, मिछिल आमराओ करबे तोमराओ करबे, रमजान मासो चलछे, रोजार मासो चलछे। एकटा मुस्लिम एरियाय गिया हमला करले मने रखो तार बिरुद्धे आईन आईनगत पदक्षेप नेबे। मिशिल मीटिंग करार तोमार अधिकार आछे, दांगा करार अधिकार नहीं। रामनवमी और रमजान बंगाल की राजनीति में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इसे समझिए। एक तरफ रामनवमी से हनुमान जयंती तक बीएचपी और उसके दूसरे संगठन हफ्ते भर चलने वाली शोभा यात्राओं कार्यक्रमों की योजना बनाते हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी हिंदू संगठनों को मुस्लिम इलाके से दूर रहकर चलने की बात कहती है। एक तरफ संघ के संगठनों की तरफ से पश्चिम बंगाल में 2000 जगहों पर कार्यक्रम की रूपरेखा बनती है, दूसरी तरफ ममता का बयान आता है कि रमजान में मुस्लिम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी बंगाल में 18 सीट पर जीतती है। इस विजय के पीछे पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ते जा रहे ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों को वजह माना जाता है, जहां पहले दुर्गा पूजा, काली पूजा और सरस्वती पूजा का ही ज्यादा चलन रहा। क्या इसीलिए रामनवमी पर हावड़ा में निकलती शोभा यात्रा सियासी साजिश से हिंसा की चपेट में आई है? कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ सूर्याग्नि रॉय, हावड़ा आज तक।